अमृतपाल सिंह दे नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदे हां। श्री दरबार साहिब दे बाहर पुलिस दा सख्त पैरा लग्या होया है। पुलिस कमिश्नर ने इस दे संबंध दे विच पूरी जानकारी दित्ती है। उन्हां कहा है कि जे अमृतपाल सिंह सरेंडर करना चाहुंदा है तां ओह कानून दे मुताबिक सरेंडर करे। पंजाब दी पुलिस लोकां दे लई है। आओ सुणदे हां पुलिस कमिश्नर दी मीडिया दे नाल हुई गलबात। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों से मीडिया से ही अफवाह सुनने को मिली है। हमारे पास की मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। मेरी नोटिस में नहीं, मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है। लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की, जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई इनपुट आई है कि अमृतसर में ऐसा सरेंडर होने की उनको अकाल तक? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तलवंडी साहबों में, मेरे पास तलवंडी साहबों के बारे में कहना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बारे में कोई ऐसी स्पष्ट कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो थ्रेट चल रही है कि अमृतपाल यहाँ आ रहा है? जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ मीडिया ने यहाँ पे बोला है, पूछा है, सवाल यही पूछा है कि ये एक अफवाह बन गई है कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं। ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे प्रबंध आम पब्लिक के लिए हैं, ये पुलिस पब्लिक के लिए है, और ये सब प्रबंध इसीलिए किए गए हैं कि जो एक आम व्यक्ति या नागरिक यहाँ आता है उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यही अपील करूंगा कि ये प्रबंध आपके लिए हैं, आप इसका आनंद लीजिए और यहाँ पे आके आप प्लीज एंजॉय करिए, नतमस्तक होइए और आशीर्वाद। नवीं खबरां देखने के लिए सब्सक्राइब करो PBX News द ऑफिशियल YouTube चैनल।